तो हेलो गाइस, स्वागत है आपका लैपिड प्रेजेंट चैनल पर। कैसे आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। मैं बिल्कुल अच्छी नहीं हूँ क्योंकि मेरा गला ख़राब हो चुका है, बोला भी नहीं जा रहा, बहुत दर्द हो रहा है बोलते हुए। सुबह सुबह का टाइम है 8:30 का, कुछ भी नहीं किया है, मतलब मैंने कुछ भी नहीं किया। मम्मी ने तो सब्जी वगैरह बना दी है, मैंने बस एक कपड़े फोल्ड किए थे और कुछ भी नहीं किया अभी तक मैंने। और मम्मी यहाँ पे बैठ के कर रही है कपड़ों से प्रेस। क्या है तुम गिरा गए टमाटर क्या कर रही हो? ये तो कहीं हो गया, तो यहाँ ना तो बहुत खराब हो गया। कैसे मम्मी? वो कह रही मेरी तबीयत खराब हो थी। प्रिया तू तेरी क्यों होगी, पहले मन नहीं ठीक हो लेने देती। काम करने का तरीका तो रहती है, दवाई पी रही थी, ठीक चल रहा है, आराम से मिल जाए। दवाई पी रही हूँ ठीक है, तो कल जाएगी बुआ, है ना मम्मी? कल जाओगी ना? हाँ, आज दिखाऊंगी गाइस आपने कि हमने दीदी को क्या दिया क्या नहीं दिया है, वो कैसे सीख दिए हैं। आज आप बड़े रही हो क्यों हुआ क्या हुआ क्या रिकॉर्डिंग होगी? अरे आपके वो नए वाली सलवार है ना? क्या अपनी ना होगी? या तो बंदर बुंदर ने कुछ कराया है कि थी यार? दिखाते हो आपको बैक कैमरा से एक बार गाइस। बंदर का सिर चढ़ी गई है, हम तो ना पट रही है, प्रेस सी लाग रही है, ना प्रेस भी ना है, पता ना क्यों होया। प्रेस सी भी ना लाग रही, प्रेस तो कितना लाग रही, प्रेस तो करने लाग रही, कट्ठा सा हो रहा है। जो कोई फाड़ते जबरदस्ती नहीं करते बंदर वगैरह के हिसाब है बेरा ना बेबे, चिपक सी भी रही है, क्यों हो रहा है इसके? उस पर कुछ दरिया तो ना गया है, प्रेस व्रेस बेरा ना देखिए। चलो इसी जगह है, इसमें तो रखू सी करवा दूंगी, अब दिखाई ना देवे। ये भी लाई थी एक महीना हुआ 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 या। हेलो गाइस, राम राम जी सारे ने, कैसे हो सभी लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे हो गए। मेरे भी आराम है, आराम हुई तान बाजेगी क्योंकि प्रिया हो चुकी है बीमार। प्रिया का पहला गले में दर्द था, ईब हो रहा है उसका बुखार, टाइम हो रहा है 11:30 का। फिर मैंने प्रिया तक दवाई दे दी बुखार की, प्रिया सोवे है और नितेश जा रहा है दीशू और भाभी के बाल कटवाने। तो इब जाऊँ 11:30 हो गए, अनवी ने नहला का आऊँ, अनवी को रेडी करके अनवी के कपड़े वगैरह वॉश करके आऊँगी, कई काम हो जाए हैं इस टाइम पर। तो अनवी का सारा काम निपटाया हूँ, दूध दा दे फार्मूला मिल्क पिलावा जो इस टाइम पर, वो पिला विला कर उसने रेडी करके ओके करके आऊँ। और भाभी अन्न भी नहलाऊँगे क्योंकि वे बाल कटवा का इतने भी आ जाएंगी, फिर उन्हें भी नहला देंगे। और आज बच्चा न करना था गणाए सारा काम, लेकिन क्या करें बेचारी प्रियांशी होगी बीमार ना, था आज कल हो जाता संडे, अनवी को लेने की पूरी वो थी कल कि संडे वाले दिन लेकर आऊँगे, तो कि सैटरडे को सारी प्रिपरेशन कर लेंगे, बलून वगैरह लगा लेंगे और भाई वेलकम का वो जो भी है सब कर लेंगे। लेकिन अब वो हो चुकी है बीमार, अब देखते हैं बुखार उतरने के बाद कैसी क्या पोजिशन रहेगी, क्योंकि बुखार उतर बेशक जावे फिर भी शरीर में तो बिल्कुल कमजोरी आ जावे है एक बार में ही, क्योंकि मेरा खुद ना है उठती बैठती काम करना पड़ रहा है। और आज तो एक काम और एक्स्ट्रा उठा लिया था, मैं चलो गेहूँ थोड़े ही रह रहे थे, मैं नए गेहूँ आओगे हमारे यहाँ तो ठेका बोलना उसको, आपके वहाँ पता नहीं क्या बोलते होंगे, कि चलो उसको भी साफ़ कर देते हैं भाई, सारे पुराने गेहूँ निकाल देते हैं, पुराने गेहूँ कट्टों में डाल दिए, डेढ़ ही कट्टा एक ही कट्टा था मान लो, और नए के लिए उसकी सफाई वफाई करके उसको रेडी करके रख दिया है कि अब नए गेहूँ आएंगे तो वो उसमें एकदम से डल जाएंगे। उसका भी काम ओके कर दिया है क्योंकि फिर बाढ़ के लिए ऐसा ही थोड़ा काम कम चल रहा है, तो इस मारे तकरीबन मोटा मोटा सा काम हमने आज ही निपटा दिया, अपना गेहूँ का तो निपटा दिया आज सारा काम। इस हमारे आज बहुत टाइम लग गया, बेचारी प्रिया की बिल्कुल तबीयत खराब थी तब भी उसने ऊपर का झाड़ू भी लगाई और आटा लगाया, दो काम तो फिर भी कर दिया उसने।
चोरी कर दे वह है बेबे। ने सोचा मम्मी कुछ काम लाग रही है, मम्मी की भी तबीयत खराब है बेचारी, इतना जितना बनाया उतना तक कर दिया उसने। ये बुझते दिया है कति बुझकर खाना खिला दिया था जब बुखार ना था, लेकिन अब बुखार लग रहा था तो अब दे दी उसते दवाई और तई चालू चलेंगे। और आज अपने आने के बाद दिखाऊंगी कि भाई कल इसकी बड़ी बुआ जाओगी तो उसको मैंने क्या दूंगी क्या नहीं दूंगी वो भी आपको दिखाऊंगी ज़रूर। तो चलिए अब चलते हैं वहाँ पर, दिखाते हैं आपको वहाँ सब क्या कर रहे हैं, कैसे क्या हो कर रहे होंगे। चलिए चलते हैं क्योंकि बच्चों की छुट्टी आज। तो गैस देखिए उठ चुकी थी और बिल्कुल भुतली बनी हुई हूँ बिल्कुल भी। अब थोड़ी आराम है, मैं ना सुबह सोई थी और फिर 1:30 के अराउंड उठी मैं, फिर मैं उठ गई, फिर मम्मी आए, मम्मी ने मेरे को खाना वगैरह दिया और अभी मैं फिर से 3 बजे दोबारा लेट गई थी और अभी 4 बजे हुए हैं। आप देख सकते हो बिल्कुल ऐसे ही बाल खुले हुए हैं पूरा ही, बहुत नींद आ रही है, पता नहीं क्यों मेरे को बहुत ज़्यादा नींद आ रही है। मैं 10 बजे सो गई थी तो और नितेश क्या कर रहे हो? वो मैंने संभाल के रखे हैं। तो अभी हम सोच रहे हैं कि अंजू के जो प्रिपरेशन वेलकम का प्रिपरेशन करना है वो भी कर लेते हैं, कल सुबह इतनी जल्दी इतना सारा काम नहीं हो पाएगा और ये कर रहा है मेरे को परेशान। तेरे को पता है मैं मारूं ऐसे कपड़ा रखता है वो, उस पर रखे अलमारी में, मैं दे रही हूँ निकाल के। तो चलिए गाइस एक बार इसे सामान निकाल के दे देते हैं, नहीं तो इसे तो मिलने से रहा वो सामान। तो एक बार सामान दे तो थोड़ा ठीक हो जाऊँ, सेंटर से मार जाओ। इसे खोल, इसके ऊपर है, खोल। तो गाइस हमने सोचा पहले आपको दिखा देते हैं वो सूट, ये देखिए मम्मी बैठ चुकी है जो मम्मी दे रही है बुआ को क्योंकि कल बुआ जाएगी, है ना मम्मी? हाँ सर, मैं भी बुआ आऊंगी, अपने दे जा रहा हूँ। ठीक है तो एक बार पहले आपको सूट ही दिखा देते हैं, बाद में बाकी सब काम करेंगे। हाँ तो मम्मी दिखाओ, ये देखिए गाइस मैं दे रही हूँ, देखो ये 4 सूट और 1 पैंट, ये भी मान लो 5 सूट, इसमें ये अलग अलग खुल जाओगे, वो जाकर दिखा दिए फिर खुल जाएगा। रुक जाओ मैं ले आती हूँ ना दूसरा, बिल्कुल सेम है, मतलब सेम लेके आए हुए वो खुला हुआ है इसलिए आपको वो दिखा देते हैं हम एक बार। ये सिमर के सूट है गाइस, एक मिनट मैं ले आती हूँ, मैं लेके आती हूँ। तो गाइस मैंने देखा लेकिन वो सूट मिला नहीं मेरे को, तो मम्मी यही खोल रही है। ये देखिए गाइस ये सूट है पूरा प्रॉपर, ये इसकी सलवार है सेट रूम में बोला पता नहीं कौन सी उसमें है, ये दुपट्टा है गाइस और ये है पूरा ऊपर सूट, ये देखिए ये ऐसे सूट है गाइस। मिरर वर्क हो रखा है इस पे, हाँ बिल्कुल, ये देखिए। और बाजू पता नहीं बाजू प्लान है कि क्या है, जो भी कुछ होगा अब ज़्यादा लोग बोलते हैं कि फिर मैं पता नहीं लगा इसकी ऐसी, ठीक है ना? तो ये गाइस तीनों के हैं मेरे, तीनों नंदों के हैं, सेम से लेके आई है, हाँ, सेम लेके आई है, कलर चेंज है बस। ज़्यादा सूट नहीं दे रही मैं अनवी के नाम के, बल्कि मतलब ये है कि कम दे रही, लेकिन अच्छा दे दो कम दे दो उससे, इसीलिए तो ज़्यादा तो नहीं दे रही कि भाई मैं इतना ज़्यादा दे रही हूँ, लेकिन ये है कि जितना मेरा व्यू था जितना अपना जुगाड़ उतना ही जितने चलते होते पैर पिछा पसारने चाहिए। तो भाई ये देखो आप बताना कैसे लगे मेरा, मेरे सूट कैसे लगे, ये देखो, ये देखिए नीचे तक दिखाई दिया आपको, तो ये तीनों के हैं तो चेंज कलर चेंज है बस, चेंज है तीनों के, क्या मैं अपना भी खुद का भी ऐसा ही लेके आई हूँ। तो एक सूट तो ये है, ठीक है इसमें वर्क हो रखा था ये दिखा दिया है, एक सूट गाइस ये है दिखा दिए एक बार, ये कॉटन में है गाइस क्योंकि वो ऐसे पहनती नहीं है तो कॉटन के ही सिलवा लेती हूँ वो वैसे ज्यादा, तो ये कॉटन में है, ये कॉटन का है और ये कॉटन में ही है तो दिखा देती हूँ। देखो गाइस
ऐसा नहीं है, ये देखो इसका दुपट्टा है बिल्कुल, और इसके सलवार देखो, ये इसकी सलवार है कितनी हैवी में है, बिल्कुल हैवी उस कपड़े की सलवार इस है। फोन में जरा डार्क कलर आ रहा है लेकिन थोड़ा रियल लाइट सा कलर है वैसे। हाँ, और ये देखो कितनी गर्मी का, प्योर गर्मी का सूट है ये देखो, बिल्कुल बिल्कुल सॉफ्ट कपड़ा है, कॉटन नहीं है लेकिन वैसे सॉफ्ट है ये, जैसे मतलब कॉटन तो ये जल्दी फट जाता है लेकिन कॉटन नहीं है, अलग सा ही कपड़ा है, क्या बताऊँ मेरे को कपड़ों का इतना नाम का नहीं पता है। ये नीचे इसमें देखो, ये नीचे इसमें कढ़ाई दे रखी है ऐसे, तीनों दीदी के एक एक सूट में ये लाई हूँ गर्मिया के, देख सकते हैं आप ले। ये जब मैं कपड़ा खरीद के लाई थी ना गाइस, उसी दिन लेकर आई थी ये सारे सूट लोग, उस दिन हमने आपको नहीं दिखाया था कि जब देंगे ना तभी दिखा देंगे, ठीक है ना। और तो ये एक एक सूट ये दे रही हूँ दीदी को, ये देखो दुपट्टा भी बिल्कुल ऐसा है ना फिसलने वाला नहीं है, ये देखो बिल्कुल नीचे सारे का ये लेस सी लग रही है बिल्कुल, सब डेली डेली में तो सबसे ज्यादा सूट यही चलते हैं, सबसे अच्छा सूट यही है, सबसे अच्छा सूट है ये डेली में चलने वाले, पूरी गर्मियां चलेंगे ये सूट। और एक ये सूट है गाइस, ये भी दिखा देती हूँ आपको, ये सूट है और एक पैंट कमीज आया है मेरे घर से, मतलब इसके नाना नानी ने दिया है सभी का, ये देख लो दिखा देती हूँ कि कैसे सूट आया, आप बताना गाइस मेरे मम्मी पापा ने कैसे सूट दिए, वैसे उन्होंने तो बताया था लाई मैं ही हूँ। तो ये देखिए सैटरून में तो सलवार है और ये दुपट्टा है, और गाइस ये सूट है, मिरर लगे हुए हैं इसमें, मिरर वर्क का पूरा। हाँ ये देखो ये गाइस दिखा देते हैं, ये देखो पूरा इसका लुक, वैसे ये तो बनने वाला तो यही है, कटवाएंगे कहाँ से कटेगा, कहाँ से कट के कैसे क्या, यहीं से कट कर ये गला इतने में बन जाएगा ऐसे जैसे, ये देखो गाइस और इसकी बैक देखो गाइस, बैक प्लेन है, बहुत अच्छा सूट है ये तो, मैंने भी खोल कर नहीं देखा था, तो आपको बैक प्लेन है इसकी चिपका हुआ है, ये स्टोन से ये जो शीशे से है ना ये चिपक रहे हैं। तो गाइस एक एक सूट ये है तीनों दीदी के जो मेरे घर से आए हैं, तो पहले दीदी का तो मैंने पहले यही रख लिया था क्योंकि लेके तो मैं ही आई थी अपनी पसंद करके, दीदी के भी सूट उनकी ओर से भी, फिर मैंने यही रख लिया था क्योंकि दीदी कौन सी पहले आके चली जाए कौन सी बाद में, फिर देने रह जाते ये वो काम आधा अधूरा सा रह जाता, तो बस एक दो जो इसकी आंटी हर के सूट आओगे वे वहाँ पहुँचा रखे हैं, बाकी दीदी हर के तीनों के सूट मैंने यही रख लिए थे ताकि इनको जो जो सी जाती रहेगी उनको देती रहूँगी। बताना गाइस मेरे घर वालों के दियोर सूट कैसे लगे आपको, जरूर बताना अच्छे हैं या नहीं है, सिलवाने लायक लगे या नहीं लगे आपको बताना कमेंट करके। ये देखो वैसे अपनी ओर से तो हमने अच्छे ही लाए हैं, बिल्कुल एक नंबर के सूट लाए थे ताकि कहीं भी जाए कहीं भी पहन ले, शादी में भी पहन डाल सकते हैं वैसे भी डाल सकते हैं, कपड़ा बहुत अच्छा है इसका, ना कलर जाएगा ना वो खराब होगा, बिल्कुल ऐसा कपड़ा सॉफ्ट कपड़ा है बिल्कुल। तो गाइस एक एक ये सूट और एक पैंट कमीज ये दिए मेरे मम्मी पापा ने, इसके पिताजी के नाम की पैंट कमीज है और दीदी के नाम के सूट है ये भी आए हैं उसमें, अगली में ऐसे ही बोलते हैं, अब बाकी देंगे पैसे कुछ कैश कैश मनी मनी तो
हमने दिया है ये अनवी के नाम से। आप कमेंट करके बताना आपको कैसे लगे सारे सूट, और सबसे अच्छा सूट कौन सा लगा ये भी कमेंट करके बताना। और सबसे बेस्ट सूट आपको इनमें से, हमें तो सारे ही अच्छे लगे क्योंकि सब अपनी जगह है, बता देना। और आज के ब्लॉग के लिए बस इतना ही, आज के ब्लॉग में इतना ही दिखाऊंगे वहाँ पे भी आंटी ने क्या दिया क्या नहीं दिया, अभी भी आपको नेक्स्ट ब्लॉग में देखने को मिलेगा। तो ब्लॉग जरूर देखो, ये बहुत अच्छे अच्छे ब्लॉग आने वाले हैं गाइज। हमारे घर में फैमिली में शादी भी है, शादी के ब्लॉग्स भी आएंगे आपको, बहुत अच्छे अच्छे देखने को मिलेंगे हमारे यहाँ की रिचुअल रीति रिवाज। और अब की बार तो लड़के की, जब की बार आपने देखा तो लड़की है, अब की बार है लड़के की शादी, तो आपको बहुत अच्छे अच्छे ब्लॉग्स देखने को मिलेंगे। तो बने रहिएगा हमारे साथ बिल्कुल ब्लॉग्स में और देखते रहिए। और जल्द ही आने वाला है अनवी का, जल्द ही हम करेंगे वेलकम, उसकी प्रिपरेशन का ब्लॉग आएगा इसके बाद, तो और फिर उसके बाद आएगा अनवी के वेलकम का ब्लॉग। और उसको अनवी के वेलकम ब्लॉग्स को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करना, ठीक है। तो आज के ब्लॉग में इतना ही, मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में। दिखा दिया जो कुछ भी दे रहे हैं गाइस आपको, हमने कुछ नहीं छुपा दिया, हम आपसे सारी चीज़ें दिखा देते हैं, ठीक है।